हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो एक रिएक्शन की वीडियो है, और जो कि हम देंगे आपको मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन, और मूवी का नेम है खाकी द रियल पुलिस। और वैसे इस फिल्म का रियल नेम जो है वो है थाहून गबन नाम, जो कि तमिल और तेलुगु फिल्म है। इसको हिंदी में डब करने के बाद इसका नाम अलग रखा गया है, और जो कि हम जो ट्रेलर देखेंगे वो भी हिंदी के अंदर डब हुआ हुआ है। तो हम पहले देख लेंगे मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा बाकी की डिटेल आपको और शॉर्ट रिव्यू उस फिल्म और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। ए मासो, नाश्ता रेडी? ए ओ 5 मिनट और लगेंगे। पापा को काम है बेटा, गुस्सा मत। मैं मां थोड़ी हूँ। ओके, पुलिस से बात करती हूँ, तुम किसी काम के नहीं। आज सुबह एमजी रोड के हाईवे पर एक आदमी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ जरा प्रॉब्लम है, मिलकर बात करते हैं। दिवाकर साहब भी बात कर रहे हैं, मैं विठल राव बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्या चाहिए? हाँ, एक मिनट, आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। हेलो, पापा से बात करूँ? ओहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है दिवाकर, बच्चा एकदम अच्छा है, जल्दी से यहाँ आ जाइए। और हाँ, बैग लाना मत भूलिएगा। वहाँ वो क्या कर रहा है ये सोचकर मैंने उसे फॉलो भी किया। मेंस टॉयलेट में उसने एक बैग को छुपा कर रखा था। मैंने खोल कर देखा तो उसमें 10 किलो से ज्यादा कोकेन मिला। सर, क्लीन करने के बाद यहाँ तक पहुंचा। तुम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारा ही परिवार नहीं, मेरा भी। मैम भले तुमने किया है, पर काम इसने किया स्पॉट में। शक्ल मत दिखाना। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन। हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के हवाले से, और इस फिल्म का जो हिंदी नेम है वो है खाकी द रियल पुलिस। और आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर, जो कि ये फिल्म हिंदी में डब करने के बाद इसका ये नाम रखा गया, और ये तमिल और तेलुगु फिल्म है, और जो कि ये फिल्म खुद एक रीमेक फिल्म है, जो कि फ्रेंच फिल्म का रीमेक है। और वो फ्रेंच फिल्म आई थी 2011 के अंदर, और इस फिल्म का नेम था न्यूट बलांची। और जैसा कि हम बात करते हैं अब आपसे इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजेश एम सिल्वा ने, और फिल्म का स्क्रीन प्ले दिया है कमाल हसन ने, और इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूस किया है कमाल हसन ने, एस चंदेरा हसन ने, गोकुलाम गोपालन ने, वी सी परवीन ने, बेजू गोलोपान ने, और सुरेश बालाजी ने, और जियोराज प्यूलस ने। और इस फिल्म में स्टार्टिंग में लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं कमाल हसन, प्रकाश राज, त्रिशा कृष्णन, किशोरा और संपत राज। ये फिल्म की लीडिंग कास्ट है। और हम बात कर लेते हैं मूवी के ट्रेलर के हवाले से आपसे, कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग किस्म का ट्रेलर था, और एक्शन से भरपूर और फुल फाइटिंग और बहुत ज़्यादा दमदार और मज़ेदार किस्म का था, जो इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, एक्शन लड़ाई से भरपूर।
कपूर, तो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज है, जो कि उनको देखने के बाद फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यूनिक और एक्शन से भरपूर था और काफ़ी दिलचस्प था, और काफ़ी ज़्यादा जो कि सवालात ट्रेलर को देखने के बाद पैदा हो रहे हैं कि फ़िल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हुआ, काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं जो कि काफ़ी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं मूवी को देखने के लिए। और काफ़ी मज़ेदार किस्म का फुल ऑन एक्शन से भरपूर ये फिल्म है और काफ़ी स्टोरी भी कमाल की। इस तरह की मूवीज़ काफ़ी हटकर और काफ़ी अलग होती हैं, उसी तरह की मूवी है जो कि देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और फुल एंटरटेनमेंट फराहम करेगी ये मूवी। और काफ़ी अच्छा ट्रेलर था, मज़ेदार किस्म का। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा पहले मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू फिल्म और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।